नीति आयोग की टीम के साथ समन्वय बनाकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। आज हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने देश के अंदर ऐसे 500 विकास खंडों को टारगेट किया है। उत्तर प्रदेश पहले से ही इसमें 100 विकास खंडों पर कार्य प्रारंभ कर चुका है और इसमें से इस बार जो एक नया प्रयोग हमने किया है कि 100 विकास खंडों के लिए 100 सीएम फेलोज को भी वहां तैनाती की गई, जो रियल टाइम डाटा को अपलोड कर सके और सही तथ्यों से अवगत करा करके हम टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करें। और इस देश से आज जब लगभग एक वर्ष अक्टूबर में आप लोगों का पूरा होगा, मैं चाहूंगा कि कुछ चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 5 क्षेत्र आपको दिए गए हैं जिन क्षेत्रों में आपको कार्य करना है, मुझे लगता है कि अलग से कोई फंड नहीं देना है, कोई फंड अलग से देने की आवश्यकता नहीं, फंड है पहले से विभाग के पास भी है, कर्मचारी भी वहां पर कमोवे सभी विभागों के हैं, केवल कुछ कार्य जैसे एजुकेशन में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल के साथ स्कूल चलो अभियान चला है। संबंधित विकास खंड में हमारे सीएम फेलोज की ड्यूटी बनती है, वे जाकर के देखें, खंड विकास अधिकारी के साथ, खंड शिक्षा अधिकारी के साथ उस किसी दिन इन लोगों से खंड शिक्षा अधिकारी से कह करके इस विकास खंड के सभी प्रधानाचार्यों के साथ हम बैठना चाहते हैं और बैठकर किसी रविवार के दिन या जिस समय विद्यालय न चल रहा उसके बाद में जाकर के किसी विद्यालय में या किसी विकास खंड मुख्यालय पर यह बैठक हो सकती है और बैठक होकर के वहां पर उनके साथ बैठ करके उनसे कह करते कि स्कूल चलो अभियान में क्या हमने तय किया कि इस ग्राम पंचायत का कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहने पाए, इसके लिए हमारा प्रयास क्या हुआ, क्या शिक्षक और अभिभावक की बैठक करवाई, क्या शिक्षक गांव के प्रत्येक घर में जाकर के उन्होंने घर में दस्तक दी कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं। अक्सर एक चीज सुनने को मिलेगी, अरे साहब हम गरीब हैं कैसे पढ़ाएंगे, उनको बताने की आवश्यकता है कि आप गरीब हैं तो क्या बच्चे को भी गरीब रखना चाहते हैं, शिक्षा फ्री, यूनिफॉर्म फ्री, बैग बुक्स फ्री, जूता मोजा फ्री, स्वेटर फ्री और मिड डे मील की व्यवस्था भी है। जब बताएंगे तो फिर उस बच्चे को स्वयं अपने साथ लेकर के स्कूल चले जाइए।